हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आज आप सीखने वाले हैं मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज कैसे होता है ये हम आज प्रैक्टिकली समझेंगे स्टूडेंट्स। बिकॉज स्टूडेंट्स, हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके हमें बोला कि मेल मर्ज पर एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाइए, थियोरेटिकली क्लियर नहीं हो पाया है। एंड स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम वेरी थैंक्सफुल ऑल ऑफ यू कि आप हमें अपनी कंटिन्यूअसली फीडबैक दे रहे हैं। इसी तरह हमें कमेंट से अपनी फीडबैक देते रहिए जिससे कि हम आपको आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करा सकें। सो नाउ लेट्स बिगिन एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में जो टॉपिक रहेंगे मेल मर्ज से रिलेटेड, वो फर्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग मेल मर्ज, मेल मर्ज को क्रिएट करना। सेकेंड हम सीखेंगे क्रिएटिंग रेसिपिएंट लिस्ट, मेल मर्ज में जो रेसिपिएंट लिस्ट होती है उसे क्रिएट करना। इंसर्टिंग मर्ज फील्ड, मर्ज फील्ड में इंसर्ट करना। व्यूइंग द मर्ज डेटा, जो डेटा हम मर्ज कर लेते हैं उसको व्यू करना, देखना। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी प्रिंटिंग द लेटर, लेटर को प्रिंट करना, जो लेटर हमने मेल मर्ज के द्वारा रेडी किया है उसे प्रिंट करना। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेल मर्ज होता क्या है, एमएस वर्ड में इसका यूज क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपने कोई लेटर एमएस वर्ड में टाइप किया हुआ है और आप उसे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और अपने 10 फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं, तो आपको 10 प्रिंट आउट्स की नीड होगी स्टूडेंट्स। लेकिन आप ये साथ में ये भी चाहते हैं कि प्रिंट आउट जब निकले तो उन पर एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट होते रहे एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के टाइम पर वो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस प्रिंट होते रहे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें प्रिंट आउट में एड्रेसेस में ऑटो चेंज चाहिए तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, इसका यूज एक जगह और होता है, जैसे हम ईमेल भेजते हैं तब भी, इस लेटर को अगर हम ईमेल करना चाहते हैं सभी फ्रेंड्स को तब भी मेल मर्ज का यूज किया जाता है। सो अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं, उससे और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, एक मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। टू क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। फर्स्टली एक डॉक्यूमेंट टाइप करना होगा, लेटर या फिर जो भी एग्जिस्टिंग लेटर आपने इसमें टाइप किया हुआ है वो ओपन कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और डिफरेंट पीपल एट देयर एड्रेस, जो कि आपको अलग अलग एड्रेसेस पर सेंड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मेलिंग टैब पर जाना है, क्लिक करना है और स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में आपको स्टार्ट मेल मर्ज ड्रॉप डाउन में जाकर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन यस करना है। देन मेल मर्ज टास्क पिन अपेयर हो जाएगा और आपको राइट साइड में ये दिखेगा, वहां आपको सेलेक्ट द लेटर्स रेडियो बटन, आपको लेटर्स रेडियो बटन पे इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट को। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट और फिर नीचे जाके आपको नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अ न्यू टास्क पेन अपेयर्स ऑन द स्क्रीन एज शोन इन फिगर 3.3। एक न्यू टास्क पेन ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह से टास्क पेन ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द यूज द करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन, देन आपको करंट रेडियो डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन, जो कि सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन में होगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट, आपको नीचे से रेसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करना है। अनदर टास्क पेन अपेयर्स, एक दूसरा टास्क पेन अपेयर हो जाएगा इस तरह से स्टूडेंट्स, जो कि आपको दिखाएगा डिफाइनिंग रेसिपिएंट लिस्ट, रेसिपिएंट लिस्ट को दिखाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक लेटर टाइप कर लिया है और अब हम जाएंगे मेलिंग टैब पर। यहाँ पर ये मेलिंग टैब आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ क्लिक करते हैं। देन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में चले जाएंगे और वहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के ऑप्शन के अंदर हमें जाना होगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में स्टूडेंट्स। यहाँ ये लास्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ मेल मर्ज टास्क पेन ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स इस तरह से। फर्स्टली हमें यहाँ पर लेटर लेना है बिकॉज हमने लेटर टाइप किया है। यहाँ ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स, ईमेल मैसेज, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी, जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइप को। सो हमने यहाँ पर लेटर डॉक्यूमेंट टाइप किया है तो हम लेटर को ले लेते हैं। देन स्टूडेंट्स, यहाँ हम नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेल मर्ज में नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिए। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें से स्टूडेंट्स हम करंट डॉक्यूमेंट लेंगे बिकॉज हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी कर लिया है। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, यदि कोई टेम्पलेट में होता तो हम वहाँ से स्टार्ट करते, और एग्जिस्टिंग होता तो हम ओपन में जाके ओपन कर लेते। तो अभी हम यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड देन सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट,
सो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे यहाँ पर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट एंड टाइप अ न्यू लिस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ ये पूछ रहा है कि जो रेसिपिएंट जिन लोगों को आप भेजना चाहते हैं, जिनके एड्रेस पर आप सेंड करना चाहते हैं, उसमें आप एक एग्जिस्टिंग लिस्ट जो आपके पास सेव है उसे लेना चाहते हैं या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, यदि आउटलुक में आपके कुछ कॉन्टेक्ट हैं तो उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर टाइप अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वापस नोट्स में चलते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ हम नोट्स में देख लेते हैं, यहाँ बताया गया है स्टूडेंट्स कि क्रिएटिंग रेसिपिएंट लिस्ट में आपको टू क्रिएट अ न्यू मेलिंग लिस्ट, एक न्यू मेलिंग लिस्ट बनानी है और टाइप अ न्यू लिस्ट रेडियो बटन पर आपको क्लिक करना है जो कि अंडर रेसिपिएंट में है मेल मर्ज टास्क पेन में, और यहाँ इसमें क्रिएट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन, एक न्यू एड्रेस लिस्ट अपेयर हो जाएगी स्क्रीन पर इस तरह से, और आपको वहाँ पर कस्टमाइज कॉलम बटन पर क्लिक करके फील्ड्स को रिमूव या ऐड कर सकते हैं। देन आपको डाटा एंटर कराना है स्टूडेंट्स न्यू एंट्री बटन पर क्लिक करके, और वहाँ पर फोर रिकॉर्ड्स हमें अपने फ्रेंड्स के या रिलेटिव के आपको एंटर कराने हैं। एंड यू विल गेट द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स, देन आपको सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्पेसिफाई अ नेम इन द फाइल नेम, फाइल नेम में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको एक नेम स्पेसिफाई करना और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। द मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स विल अपेयर एज शोन इन फिगर 3.6। इस तरह से आपका मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। दिस डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, ये डायलॉग बॉक्स सभी का रिकॉर्ड्स शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। टू चेंज एनी डिटेल, कोई भी डिटेल चेंज करनी है, यू कैन सेलेक्ट द डेटा सोर्स, आप डेटा सोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन एडिट बटन, और जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं ये डेटा सोर्स होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एडिट बटन पर जाकर वहाँ से डेटा सोर्स बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और अंदर जाकर उसे चेंज कर सकते हैं जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं। एंड व्हेन यू हैव फिनिश डूइंग द एडिटिंग, जब आप एडिटिंग फिनिश कर देते हैं तो आपको ओके बटन पर क्लिक करके कंफर्म करना होता है। नोट दैट द टिक मार्क आर प्लेस्ड ऑन द चेक बॉक्स, जो टिक मार्क चेक बॉक्स में प्लेस होते हैं वो डेटा सोर्स फील्ड में होते हैं जो हमें बताते हैं कि रिकॉर्ड सेलेक्टेड है। इफ यू डू नॉट वॉन्ट सेंड टू द लेटर टू अ पर्टिकुलर एड्रेस, यदि आप पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा सेंड नहीं करना चाहते तो आप क्लिक करके उस चेक बॉक्स को डिसलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट राइट योर लेटर, और उसके बाद आपको राइट योर लेटर पर क्लिक करना होता है जो कि स्टेप 3-6 होता है मेल मर्ज टास्क पेन में। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेलेक्ट रेसिपिएंट टॉपिक को प्रैक्टिकली करते हैं। सो हमें यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट करना है एंड देन क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने पर हमारे सामने न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ न्यू एंट्री, फाइंड, डिलीट एंट्री, कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन आ रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फील्ड्स आ रहे हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम एंड एड्रेस लाइन। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कंपनी नेम की नीड नहीं है तो हम कस्टमाइज कॉलम में जाकर कंपनी नेम को मूव डाउन कर देंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर एड्रेस वन, एड्रेस लाइन टू आ जाएगा। सो हम एड्रेस लाइन टू की जगह हम यहाँ पर मूव अप कर देते हैं, सिटी कर देते हैं। स्टूडेंट्स यदि हमें यहाँ पर कोई फील्ड नहीं चाहिए तो हम सपोज वर्क फोन हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं यस करके, और यदि कोई एंटर करना चाहते हैं हम तो यहाँ ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने किया फ्रेंड्स नेम, इस तरह का कोई हम एंटर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो ऐड हो जाता है कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट में। सो हमने यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन वन एंड सिटी, स्टूडेंट्स हम ये लेना चाहते हैं यहाँ पर फिर, तो हमने ओके किया। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ चेंज हो गया है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन एंड सिटी। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू एंट्री के लिए बोल रहा है ये, सो हम यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के नेम वगैरह टाइप कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने 3 फ्रेंड्स के नेम टाइप कर लिए हैं और उनके एड्रेस, सिटीज सभी एंटर कर लिए हैं। नाउ हम स्टूडेंट्स ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ओके बटन पर क्लिक करके स्टूडेंट्स ये मांगता है कि आप सेव करें इसे, तो हम यहाँ पर सेव कर देते हैं स्टूडेंट्स इसे किसी नेम से, यहाँ हम इसे दे देते हैं फ्रेंड लिस्ट, फ्रेंड्स लिस्ट एंड एंटर, यहाँ सेव हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि डेटा सोर्स यहाँ पे चेकबॉक्स आ रहा है, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो अनचेक हो जाता है और इस पर क्लिक करते हैं तो ये चेक हो जाता है अगेन, सेलेक्ट टू डिसलेक्ट के लिए होता है स्टूडेंट्स ये एरिया। और आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर फुली इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो जो हमने टाइप किया था। स्टूडेंट्स ये डेटा सोर्स होता है, यहाँ पर हम क्लिक करके किसी भी
उस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और उसके अंदर एंटर करके हम जो भी चेंजिंग है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या एड्रेस मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ एडिट करके हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसमें जो भी हम टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। इसे पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यदि किसी एंट्री को हम डिलीट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, सो हम उस पर क्लिक करेंगे एंड डिलीट एंट्री कर देंगे, तो ये पूछेगा डिलीट दिस एंट्री, तो आप यस करके इसे डिलीट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहते हैं कोई फ्रेंड का नेम, जैसे आपने यहाँ पर फाइंड किया सपोज रेनू, सो ये रेनू को फाइंड कर देगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रेनू सिंह का फाइंड हो जाएगा, और बाकी कोई रेनू सिंह नहीं है ये भी बता देगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ हम ओके करते हैं। डू यू वॉन्ट टू अपडेट योर रेसिपियंट? यस। जो भी अपडेट करेंगे, जो भी आप चेंजिंग करेंगे, तो उसको अपडेट मांगेगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप डेटा सोर्स में जाके एडिट कर सकते हैं। किसी को आपको सेंड नहीं करना है, सपोज आप चाहते हैं कि ओनली टू फ्रेंड्स को भेजना है, तो आप जिस फ्रेंड को नहीं सेंड करना चाहते उसको अनचेक कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से डिसलेक्ट हो जाएगा और ओनली टू फ्रेंड्स के एड्रेस ही वहाँ पर आ पाएंगे। सो बट इस समय तो हम स्टूडेंट्स थ्री को ही सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से ओके करते हैं स्टूडेंट्स, एंड यहाँ से हमारी रेसिपिएंट लिस्ट रेडी हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स हमें स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट राइट योर लेटर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्रीवियस में, यदि हमें प्रीवियस में जाना है, वहाँ स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे हम। एक बार दिखा देते हैं स्टूडेंट्स आपको, ये प्रीवियस ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यदि हमें प्रीवियस में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो हम प्रीवियस में जाके ठीक भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट, हमने लिस्ट तो बनाई हुई है, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से अगेन न्यू लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कोई न्यू लिस्ट नहीं तैयार करनी है, हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो अब हम अपनी क्रिएट की गई लिस्ट को कैसे ओपन करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे, तो हमारी लिस्ट ओपन हो जाएगी ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है स्टूडेंट्स। ओके करेंगे एंड देन नेक्स्ट राइट योर लेटर पर क्लिक करेंगे, तो टास्क पेन में एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा, राइट योर लेटर। सो स्टूडेंट्स वापस नोट्स पर चलते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंसर्टिंग मर्ज फील्ड। प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट। कर्सर को उस पोजिशन पर रखेंगे जहां पर आप रिकॉर्ड फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, और इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाने के लिए आपको मेलिंग टैब में राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप पर जाना होगा। देन इंसर्ट मर्ज फील्ड डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा इस तरह से स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो सभी फील्ड्स नेम आ जाएंगे जो हम क्रिएट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन द फील्ड नेम दैट यू इंटेंड टू ऐड। उन फील्ड्स नेम पर क्लिक करेंगे जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जिस भी आप फील्ड को लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके देन इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली इंसर्ट अदर फील्ड इन टू द डॉक्यूमेंट्स, इसी तरह से अदर डॉक्यूमेंट्स को भी, डॉक्यूमेंट्स में अदर फील्ड्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, देन क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। यू विल नोटिस दैट द सेलेक्टेड फील्ड नेम्स अपेयर इन योर डॉक्यूमेंट। अब आप नोटिस करेंगे कि आपके जो जितने भी फील्ड नेम अपेयर हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टली अपेयर हो रहे हैं। सेपरेट द फील्ड नेम्स बाय प्रेसिंग द एंटर की, और उन्हें प्रेस करके सेपरेट कर देंगे एंटर प्रेस करके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस लाइन है, सिटी है, इन सबको एंटर एंटर करके आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली इसमें किस तरह से हमें करना है। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्टली हम अपना कर्सर प्लेस कर लेते हैं जिस जगह पर हमें अपने फील्ड्स को एंटर कराना है। सो हम यहाँ पर फर्स्ट बिफोर द लेटर, जहाँ पर हमने लेटर टाइप किया उससे पहले हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करके अब हम जाते हैं मेलिंग टैब में एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये राइट एंड इंसर्ट फील्ड में। नाउ क्लिक करते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में एंड स्टूडेंट्स फर्स्टली हम ले लेते हैं इसमें टाइटल, एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पर लेंगे हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी इसके बराबर में ही ले लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ एंटर करेंगे स्टूडेंट्स एंड देन एड्रेस लाइन एंड देन एंटर एंड सिटी। स्टूडेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपको नेम को डिस्प्ले करना है, किस तरह से आपको एड्रेस लाइन को डिस्प्ले करना है, वो अपने अकॉर्डिंग होता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ हम क्लिक करके थोड़ा अपने लेटर को बैक कर लेते हैं बैक स्पेस से इस तरह से। नाउ स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर पर क्लिक करना होगा, ये हम क्लिक कर देते हैं। एंड स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर डियर प्रिया शर्मा गोविंदपुरी मोदीनगर, इस तरह से आपके लेटर के साथ साथ ये एड्रेसेस हो चुके हैं। इन्हें नेक्स्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ बताया गया है व्यूइंग द मर्ज डाटा यू कैन चेक वेदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज पिक्ड अप
द डेटा सोर्स अकॉर्डिंग टू द मर्ज फील्ड और नॉट। आप चेक कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा सोर्सेज को मर्ज फील्ड के अकॉर्डिंग पिक किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लिक ऑन द प्रीव्यू रिजल्ट बटन, जिस पर मैंने क्लिक किया था, इन द प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में जाकर भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर जो मैंने अभी क्लिक किया था उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये स्टेप 4 to 6 होगा सेक्शन में। द फर्स्ट रिकॉर्ड विल डिस्प्ले एज शोन इन फिगर 3.9। क्लिक ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन इन द प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप टू व्यू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट रिकॉर्ड देखने के लिए आप प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से ये बॉक्स आपका आएगा, यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट में आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस ये देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स चेक करते हैं ये किस तरह से हो रहा है हमारा। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स देखिए यहाँ टास्क पेन में भी ये लिस्ट आ रही है और ये आपकी टैब में भी आ रही है प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप में। यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप आप देख सकते हैं, देखिए वापस वहीं पर पहुँच गए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। डियर श्रुति शेखर, देखिए यहाँ चेंज हो चुका है ये। इस तरह से आप फर्स्ट सेकेंड ये आप देख सकते हैं आपने जो जो नेम लिए हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इस तरह से मेल मर्ज में एड्रेसेस को चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग द लेटर्स। अब इसे प्रिंट कैसे करते हैं? यू कैन टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ योर लेटर। आप अपने प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं लेटर के विद द मर्ज डेटा ऑफ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में जो डेटा मर्ज हो चुका है, ये होता है स्टूडेंट्स मर्ज करना। मर्ज करने का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमने एक लेटर के अंदर एक डिफरेंट डेटा लेकर उसे मर्ज कर दिया, उसमें मिला दिया। एंड स्टूडेंट्स यहाँ अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। द क्लिक ऑन द फिनिश एंड मर्ज बटन, मर्ज बटन पर क्लिक करते हैं, फिनिश एंड मर्ज बटन पर इन द फिनिश ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में जाकर फिनिश ग्रुप पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो स्टूडेंट्स इसे हम डायरेक्टली कर लेते हैं। सो ये आपका यहाँ पर आ जाता है फिनिश एंड मर्ज बटन। ये देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज। तो हमें प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है स्टूडेंट्स, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। या सेकेंड ऑप्शन बताया स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। स्टूडेंट्स यहाँ आप नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज ये जो टास्क पेन में आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ कमांड आ जाती है प्रिंट की कमांड। प्रिंट की कमांड में ये पूछता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक करंट रिकॉर्ड को करना है या फिर सभी जितने भी आपने प्रिंट आउट्स निकालने हैं फ्रेंड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस के साथ, तो आप उनको बता देंगे प्रिंट आउट में कि 1 से लेकर 3 तक प्रिंट आउट्स निकालने हैं। जहाँ तक आप देखेंगे यदि आपको 1 से लेकर 2 तक निकालने हैं तो फर्स्ट और सेकंड निकल जाएगा, थर्ड नहीं निकलेगा। और यदि आप थर्ड तक बताते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रिंट आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये होता है मेल मर्ज, जिसके द्वारा हम डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस चेंज करके एक ही लेटर को प्रिंट आउट कंटिन्यूसली कर सकते हैं। उसके लिए हमें एवरी टाइम एड्रेस चेंज करने की नीड नहीं है, ओनली नेक्स्ट बटन क्लिक करके आप नेक्स्ट एड्रेस को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। एंड स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।